नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं नॉलेज अप टू डेट चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑटो ड्रेन वाल्व के बारे में। नमस्कार साथियों, कई लोग ऑटो ड्रेन वाल्व के बारे में पूछते हैं कि ऑटो ड्रेन वाल्व कैसे काम करता है। वैसे ऊपर ऊपर से तो सबको ही मालूम है कि ऑटो ड्रेन वाल्व जब MCP का प्रेशर, MR का प्रेशर बढ़कर जब 9.5 kg हो जाता है तो RCCP का कांटेक्ट जो है वो वीड वाल पर लगता है और वीड वाल हवा का रास्ता खोलता है, ऑटो ड्रेन वाल को ऑपरेट करता है। ऑटो ड्रेन वाल मॉइस्चर को कुछ मात्रा में बाहर निकाल देता है अंडर फ्रेम में, और जब प्रेशर वापस घटकर 8 kg हो जाता है तो भी ऑटो ड्रेन वाल एक बार यानी कि 1 सेकंड के लिए हल्का सा मॉइस्चर बाहर निकालता है। ये प्रैक्टिकल सभी लोगों ने देखा है, मैंने भी देखा है लोगों पे जाकर खुद, और इसको अच्छी तरह जांचा परखा है। ऑटो ड्रेन वाल्व में कभी भी लगातार लीकेज हो जाए खराबी के कारण तो उसका कॉक होता है उसको हम बंद कर सकते हैं, तो फिर जो लगातार लीकेज हो रहा है वो नहीं होगा। ये तो ही बात, लेकिन हमारे साथियों के क्वेश्चन कुछ अलग है। कई लोग वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ऑटो ड्रेन वाल्व को जब प्रेशर MR का बढ़कर 9.5 kg हो जाता है तो वीड वाल के द्वारा ऑपरेटिंग प्रेशर तो लगातार मिल रहा है, तो फिर ऑटो ड्रेन वाल लगातार मॉइस्चर ड्रेन करना चाहिए तो वो क्यों नहीं करता, और जब प्रेशर घटकर 8 kg हो जाता है तो भी वो मॉइस्चर को ड्रेन करता है, तो ऐसा कैसा फंक्शन है ऑटो ड्रेन वाल में। अब ऑटो ड्रेन वाल है तो बेचारा छोटा सा ही, और उसमें ऐसा क्या ऑटोमेटिक सिस्टम है तो ऐसा होता है। तो इसके बारे में मैंने भी कई लोगों से चर्चा की और पूछा भी, और जो न्यूमेटिक सेक्शन होता वहां भी पूछा, लेकिन ऑटो ड्रेन वाल्व मुझे खुला हुआ नहीं मिल पाया। कोशिश की लेकिन मैंने सोचा कि अभी खुला मिलेगा तो उसको खुला हुआ देखना है मुझे कि उसमें ऐसा क्या सिस्टम है। तो फिर कुछ लोगों ने ऐसा आइडिया बताया, उसमें एक फ्लैप होता है जो ऑपरेटिंग प्रेशर को भेज के एक बार वो फ्लैप ऑटोमेटिक ऐसा यूं जाके यूं घूमता है और वापस बंद हो जाता है, यानी कि 2 सेकंड के लिए मॉइस्चर को ड्रेन किया 2-3 सेकंड और फिर वो फ्लैप ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, और जब ऑपरेटिंग प्रेशर उसका कट होता है वीड वाल के द्वारा तो भी वो फ्लैप वापस ऐसे जब टर्न करता है तो भी 1 सेकंड के लिए मॉइस्चर को वो हल्का सा बाहर निकालता है। तो ऑटो ड्रेन वाल की बनावट इस प्रकार की है, तो जब उसकी बनावट ही इस प्रकार की है तो वो उसे फंक्शन करेगा। इसके लिए ये कंफ्यूजन आप लोग दूर कर दीजिए, वो लगातार वीड वाल का प्रेशर मिल रहा है तो भी वो लगातार ड्रेन क्यों नहीं कर रहा है, नहीं तो लगातार प्रेशर बाहर निकालना चाहिए ना, सीधी सी बात है। तो इसका जवाब यही मिला अभी तक तो। हाँ, आपके पास में कोई ये वीडियो देखे और उसके पास में और कोई जवाब हो इसका तो मुझे बताएं, तो मैं अन्य लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। या किसी ने वीड वाल को ऑटो ड्रेन वाल को जो अंडर फ्रेम में लगा होता है, चाहे वो डीजल का हो चाहे इलेक्ट्रिक लोगों का, उसकी बनावट तो सेम ही होती है, तो वो किसी को खुला हुआ मिले तो उसको सीखना कि उसमें ऐसा क्या सिस्टम है जो ऐसा लगातार ऑपरेटिंग प्रेशर मिलता है तो भी वो लगातार लीकेज नहीं मारता, यानी कि लगातार मॉइस्चर ड्रेन नहीं करता है, ऐसा क्या जादू है उसके अंदर। अगर आपको मालूम पड़े और खुला हुआ दिखे तो आप भी मेरे को बताने की कोशिश करना ताकि मैं अन्य व्यक्तियों को बता सकूं। तो इस प्रकार के मैं जो छोटी मोटी जानकारी होती है आपके साथ शेयर करता रहता हूं, ताकि जो मन में क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा, वो सबके मन में रहती है तो दूर होवे और नॉलेज अच्छा बने, और आप ट्रबल शूटिंग जब भी करना चाहें तो अच्छी तरह कर सकते हैं। तो इस प्रकार अगर आपको पूरा नॉलेज चाहिए तो आप अपने पूरी प्रॉपर जो बुकलेट होती है, प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट है, उसमें से ही लेना चाहिए। मेरे वीडियो तो ये चलते फिरते हैं, और भी वीडियो देखने के लिए आप जाएं चैनल पे जाके क्लिक कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां टॉपिक वाइज मैंने वीडियो जमा के रखे हैं तो आप उस टॉपिक वाइज वीडियो देख सकते हैं। कई लोग क्या होते हैं कि साहब, कई लोगों ने ऐसा कमेंट किया मुझे बार बार कि सभी रिले का एक वीडियो बनाइए, जबकि हर एक रिले का मैंने अलग अलग वीडियो भी बनाए हैं, तो लोग बात करते क्या है, उस चैनल पे जाते नहीं है, देखते नहीं है और कौन कौन से वीडियो है, बस वो सामने आया वो देख लिया और लिख दिया। तो ऐसा मत कीजिए, आप लोग जाइए देखिए, बहुत सारे वीडियो आपके काम के हैं, आप उनको देख के काफी कुछ सीखिए, उसके बाद में नहीं हो तो आप कमेंट करें तो ठीक है। और कई ऐसे भी होता है कि कई लोगों में कुछ मॉडिफिकेशन हो जाता है लेकिन वो आउट नहीं होता, सबको मालूम नहीं पड़ता है, इसके लिए कई चीजें मुझे भी मालूम नहीं पड़ती है, तो आपको मालूम पड़े तो आप, जब मैं पूछता हूं तो आप बताइए ताकि अन्य लोगों को भी हम बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, ईमानदारी से काम कीजिए। जय श्री राम।